आप घर पर ही बनेगी बिल्कुल आसानी से ये रेस्टोरेंट स्टाइल पालक, जिसे बड़े तो खाएंगे ही और बच्चे कब चढ़ कर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। हे एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू कुकिंग ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम पालक की ऐसी सब्जी बनाएंगे जिसे बड़े तो खाएंगे ही चाव से और बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पर मैंने पालक की पत्तियों को तोड़ लिया है, उसके बाद उसे धुल लिया है और अब हम इसे काट लेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा करिए कि कोई भी हरी सब्जी आप काट रहे हैं तो उसे काटने के बाद ना धुलें, काटने के पहले ही धुलें, क्योंकि काटने के बाद धुलने से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो हमेशा हरी सब्जी को काटने से पहले ही धुलें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पालक को काट लिया है, अब हम इसे साइड में रख लेंगे। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें एक बड़ा चम्मच तेल या घी, कुछ भी आप ले सकते हैं। वैसे घी में बनाएंगे तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी, फिलहाल मैं भी तेल में ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच तेल ले लिया है, उसमें जीरा डाल देंगे आधा चम्मच, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, उसके बाद उसमें एक बारीक कटे हुए 7 से 8 कलियां लहसुन की डाल देंगे और इसे अच्छे से गोल्डन होने तक पका लेंगे। उसके बाद एक प्याज को चॉप करके डाल देंगे, एक हरी मिर्ची डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से पकाएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी प्याज 3 से 4 मिनट मैंने भुना है, तो प्याज देखिए हल्की सी गुलाबी हो गई है, सुनहरी अभी नहीं हुई है। तो अभी हम इसमें एक चम्मच बेसन डालकर बेसन के साथ ही प्याज को भुनेंगे। यहाँ पर बेसन को भी अच्छे से भुनेंगे और बेसन की वजह से सब्जी में बहुत ही अच्छा सा टेक्स्चर आता है, क्योंकि जो पानी पालक रिलीज़ करता है बेसन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो बेसन डालकर अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, बेसन भुन गया है, प्याज भी आप देख सकते हैं अच्छे से भुन गई है। तो अभी इसमें हम एक टमाटर चाहे काटकर चाहे कद्दूकस करके डाल देंगे। तो टमाटर मैंने डाल दिया, टमाटर गया तो नमक भी गया, और इसी के साथ हम मसाले भी डाल देंगे जिससे कि मसाले भी हमारे सारे पक जाएं। तो यहाँ पर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। उसके बाद इसे देखिए लगातार चलाते हुए हम अच्छे से पकाएंगे मसालों को। अभी देखिए मसाले बहुत ज़्यादा सूखे सूखे से लग रहे हैं, तो अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे मसाले अच्छे से पक जाएं। और यही रीज़न होता है कि मसालों को घोल कर डालो तो मसाले अच्छे से पक जाते हैं, जलते नहीं है। तो देखिए, पानी डाल दिया और फिर से हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और यहाँ पर देखिए, लगातार चलाते हुए ने पकाया तो मसाले अभी सारे बहुत अच्छे से पक गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें जो हमने पालक काट के रखी थी उसे डाल देंगे और अच्छे से ऊपर से नीचे पालक को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और नमक मैंने ग्रेवी में डाल दिया था, तो अभी पालक डालने के बाद नमक का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि पालक में नमक बहुत कम यूज़ किया करिए। क्योंकि क्या होता है, पहले तो पालक देखने में ज़्यादा लगती है, पर वो जब पक जाती है तो एकदम थोड़ी सी हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी पालक की सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि नमक थोड़ा ही डालिएगा। और देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसे ढक दिया था 3 से 4 मिनट के लिए, बीच में मैंने इसे एक बार खोल के और चलाया था। और ये बहुत जल्दी, पालक तो बहुत जल्दी पक ही जाती है, देख सकते हैं। अभी एक बार मैंने बीच में चलाया था, फिर अभी 1-2 मिनट बाद चला रही हूं, तो आप देखिए पालक की सब्जी बिल्कुल अच्छे से पक गई है, देख सकते हैं पालक भी गल गई है। और देखिए, पानी पालक बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अभी देखिए, इसके लिए हम एक तड़का बना लेंगे, और ये तड़का बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे ही सब्जी को खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहां पर देखिए, मैंने 1 चम्मच घी लिया, उसमें मैंने 2 से 3 कलियां लहसुन की बारीक काट के डाल दी, और जब अच्छे से पक गया तो मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया, थोड़ा सा घी को ठंडा कर लिया। उसके बाद इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और फिर मैंने इस तड़के को सब्जी के ऊपर डाल दिया। सच में सब्जी बहुत ही टेस्टी लग रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम ढाबा वाली पालक खा रहे हों। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।